हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए साहित्यिक हिंदी के वार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 को लेकर आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके का मॉडल पेपर 2023 में आपका पेपर आएगा, उसको हम समझते हैं। तो सारा का सारा जो भी पैटर्न होगा इसी पे बेस होगा, और इस मॉडल पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो और तैयार करके बोर्ड में चले जाते हो तो आप आसानी से 90% या 95% स्कोर कर सकते हो। आइए सबसे पहले यहाँ पर समझ सकते हो कि जो आपका टाइमिंग दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा, और यहाँ पर पूर्णांक 100 नंबर, 3 घंटा पेपर हल करने का, 15 मिनट पेपर को पढ़ने का टाइम दिया रहेगा, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसको समझते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। नोट में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो जैसा जैसा खंड दिया गया है सभी खंडों को करना अति आवश्यक है। आइए सबसे पहला खंड हम क को समझते हैं कि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और अंत में ये बताऊंगा कि बोर्ड में जाकर के कॉपी किस तरीके से लिखना है वो मैं आप सभी को अंत में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आइए समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लहरों के राजहंस, क्या बोला जा रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राय कृष्णदास, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण शुक्ल। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश किसके लेखक है, तो लहरों के राजहंस के लेखक, समझ गए। अगला क्वेश्चन ये है कि शेखर एक जीवनी है, शेखर क्या है, एक जीवनी है, और इस जीवनी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेखर एक जीवनी के लेखक हो जाएंगे भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि संस्कृति और कला और संस्कृति निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला ऑप्शन यह है कि उपेंद्रनाथ अश्क, अगला ऑप्शन क्या है, उपेंद्रनाथ अश्क, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो कला और संस्कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे माना जाता है। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्ण दास। तो हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक है, उत्पादक है, या ये बोल सकते हो इसके पिता, हिंदी गद्य साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस या ब्राह्मण। तो हिंदी प्रदीप जो संपादित पत्रिका है इसके कौन किया है संपादन, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना कि कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। दिनकर जी, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, शिव मंगल सिंह सुमन। तो कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह कैसा है, टेढ़ा है, के रचयिता कौन है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पे ए, मुक्तिबोध हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन कि जयचंद प्रकाश रचना है, किसकी है, चंद बरदाई की, भट्ट केदार की, नरपति नाल की, विद्यापति की। तो जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी सही हो जाएगा, नरपति नाल की, सॉरी यहाँ पे केदार भट्ट की हो जाएगी, नरपति नाल की नहीं है, ये केदार भट्ट की रचना है, जय चंद प्रकाश। ठीक, अगला क्वेश्चन कि कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है, तो कश्मीर सुषमा अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना, तैयार करके जाना कि कश्मीर सुषमा का रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, सिद्धर पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे कश्मीर वाला, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे श्रीधर पाठक वाला, कौन हो जाएंगे, श्रीधर पाठक वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो रीतिकाल का एक दूसरा नाम है श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल या काव्य शास्त्र काल। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल, क्या है, श्रृंगार काल। ठीक, अब आइए, हमने बहुविकल्पी को तो बता दिया, अब आइए हम ये समझेंगे कि गद्यांश कैसे पूछे जाएंगे 2023 के बोर्ड के पेपर में, इसको समझते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों को समझना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इसके जो भी निर्देश दिए गए हैं इसको समझते हैं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक यहाँ पे छोटा सा पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज को पढ़ के 5 क्वेश्चन को हल करना है। आओ समझते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि भरी है, उन जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो इतना पढ़ने के बाद आप सभी को ये पता तो चल गया होगा कि जो चैप्टर है किस चैप्टर से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो 2 नंबर का काम तो आपका यहीं पे हो जाएगा। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। अब इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यहाँ पे लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता या इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इतना लिख दोगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश का व्याख्या मतलब इसी में से छांट के लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि दिन रात बहने वाली नदियाँ ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है, तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार की देह से पीस पीस कर अगणित प्रकार के मिट्टियों से हम क्या कर सकते हैं, इसकी देह को सजाया गया है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन गए हैं, तो इसके बारे में खाली पढ़ दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से पैसेज को हल कर लेना। अगला यहाँ पे समझ सकते हो कि जो चौथा क्वेश्चन ये है कि पद्यांश, गद्यांश हमने बता दिया, अब यहाँ पे समझो कि पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के हल करना है। आओ, तदंतर बैठ सजा सभा उठज के आगे, नीले बतान के तले दीप बहु जागे, टक टकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिमाणोत्स उन भयातुरों के थे वे। तो ये जो पैसेज है, ये जो गद्यांश है, ये जो पद्यांश है, तो ये जो पद्यांश है ये कौन सा चैप्टर से संबंधित है, तो कैकई के अनुपात चैप्टर से। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो शीर्षक का नाम हो जाएगा कैकई का अनुताप, और कवि का नाम क्या हो जाएगा, तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी। इतने तो आपको 2 नंबर पक्का यहाँ से हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 लाइन में इसका अर्थ लिख देना है, व्याख्या कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यह है कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो भरत किसको लेने गए थे, तो श्री रामचंद्र जी को लेने गए थे, सीता जी को लेने गए थे। अयोध्या का राज किसे मिला था, तो अयोध्या का राज राजा भरत को मिल गया था, ठीक ना। प्रभु बोले गंभीर निर्निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है,
तो इस अलंकार को बताना है, समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि पांचवा क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करिए और 80 शब्द के साथ लिखना है। तो तीन यहाँ पे कवि का नाम दिया गया है, लेखक का नाम दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो तीनों को मैंने मेरे चैनल पे बता दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना या प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे तीनों को नहीं, यहाँ पे छह आदमी का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और यहाँ पे एक रचना का भी नाम लिखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, सुमित्रा नंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का। तो छह मैंने करवा दिया है और बाकी सब भी टेंथ के भी हैं, उनको भी मैंने हल करवा दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कि कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर तथा बहादुर अथवा पंचलाइट दोनों में से किसी को करना है, बहादुर को भी करना है या पंचलाइट का भी करना है, किस एक की समीक्षा करना है। तो दोनों को मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक, या आप ये भी कर सकते हो, बहादुर अथवा कर्मनास की हार, कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं के उल्लेख करना है 80 शब्द में। अगला क्वेश्चन कि स्वपठित खंडों के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये खंड काव्य वाला आएगा तो इसको हल कर लेना है। अब आइए खंड ख को समझते हैं, खंड ख में क्या दे रहा है बाबू। तो सबसे पहले गद्यांश देगा संस्कृत वाला और इस गद्यांश को पढ़ के क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से सेम टू सेम 7 नंबर के बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, देख सकते हो 7 नंबर का। और इसी तरीके से एक पद्यांश देगा, उस पद्यांश को भी पढ़ना है और पढ़ के हल करना है, दोनों में से किसी एक को हल कर लेना है, समझ गए। अब आइए अगला हम क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे, इसको अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेने दो। ठीक, चलो एडजस्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में से किसी दो को करना है कि दिलीप कस्य प्रदेश राजा आसीत, दिलीप किस प्रदेश का राजा था, आपको बताना है। तो इसको भी क्या करना है, दो दो नंबर का है, चार नंबर आप यहाँ से मिल सकता है, कर सकती हो। अगला क्वेश्चन ये तो मैंने कई बार बताया है कि हास्य अथवा करुण रस की अस्थाई भाव लिखकर परिभाषा दीजिए। ये अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया है, सोरठा अथवा रोला छंद की एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो तीनों मैंने चैनल पर करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दूंगा, आप लोग वहाँ से जरूर विजिट करके देख लेना। ठीक, अब देखो भाषा शैली पर निबंध लिखना है। अब निबंध मैंने बता दिया है, निबंध भी लिखना मैंने बता दिया है कि मेरे प्रिय साहित्यकार अथवा मेरे प्रिय लेखक या जयशंकर प्रसाद अथवा मेरे प्रिय कवि, तो लेखक पे या कवि पे दोनों पे लिख देना है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई अथवा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो इस पे भी क्या करना है, आप सभी को निबंध लिखना है। या भारतीय किसानों की समस्या पे निबंध लिखना है, नैतिक मूल्यों का ह्रास कारण एवं निवारण के साथ लिख देना है, या एक को लिखना है, किसी एक को लिखना है, या मानव जीवन में योग शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में आप सभी को निबंध लिखना है। चलिए अब इसको हल करते हैं कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधन एजते वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवित्रम का हो जाएगा पोधन इत्रम, पवित्रम का क्या होगा, इसका भी स सही होगा, स वाला सही होगा, पोधन इत्रम, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय दो से मिला है, नीला गाय तो नीला गाय, तो इसमें कौन समास हो जाएगा, द्वंद समास, देख लेना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये है कि राजपुरुष में समास है, तत्पुरुष कर्मधार है अव्ययी भाव इनमें से कोई नहीं, तो इसको भी देख लेना, समास पक्का पूछेगा। अब ये बोल रहा है कि पश्यामह अथवा नयतम किस धातु लकार पुरुष अथवा वचन से मिलकर के बना है, सबका नाम लिखना है, दो नंबर पक्का आएगा। अब यहाँ पे धातु रूप शब्द रूप पूछता है, इसको भी कर लेना। नामे रूप में नामन का कौन सा रूप है, इसको देख लेना। अनुभूय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पहले नहीं आकर के बाद में आएगा। ठीक,
अब देखो प्रत्यय, गुरुता का प्रत्यय, ठीक, तो गुरुता का त्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी दो में से प्रयुक्त विभक्ति और उनसे संबंधित नियम का उल्लेख करिए। कर्णन में कौन सा विभक्ति है उसके बारे में लिखना है, शीर्षा में कौन सा विभक्ति है उसके बारे में लिख देना है, और यहाँ पर सबसे अंतिम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर देना है, आपके यहाँ पे 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक, अगर आप इसका कॉपी पेन पे सोल्यूशन चाहते हैं तो आपके चैनल पे कमेंट जरूर करना, मैं तुरंत इसका चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।